बदायूं हत्याकांड में एक तरफ पुलिस जांच में लगी है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आरोपी साजिद को बेशक पुलिस ने कुछ ही घंटों में ढेर कर दिया, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि आखिर इस हत्या के पीछे मकसद क्या था। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साजिद की दुकान और पीड़ित परिवार आस पड़ोस में ही रहते थे। दावा किया जा रहा है कि साजिद पीड़ित परिवार को कई साल से जानता था। पीड़ित बच्चों की माँ संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। संगीता के पति विनोद ठाकुर काम की वजह से अक्सर बाहर रहते थे और कभी कभार ही घर आते थे। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे, इसी वजह से साजिद आराम से विनोद ठाकुर के घर आया। संगीता के अनुसार उसने संगीता से 5,000 रुपए मांगे। संगीता का कहना है कि उसने अपने पति से फोन पर बातचीत करने के बाद 5,000 रुपए दे भी दिए। इसके बाद साजिद ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हवा लेने के लिए वो छत पर जाना चाहता है। इन सब बातों से साफ है कि उसका परिवार में अच्छा खासा परिचय था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसी बात पर रंजिश इस हत्या की बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन विनोद ठाकुर इस बात से साफ इनकार करते हैं। सुनिए मृतक बच्चों के पिता विनोद ठाकुर ने क्या कहा। नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए जाइए, व्यवहार तुम्हारा क्या करना मुझे इससे, कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली तो सही है क्या, क्योंकि लगा थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में। विनोद ठाकुर का साफ दावा है कि रंजिश जैसी कोई बात नहीं थी। उनका कहना है कि पैसे साजिद को मिल गए थे, ऐसे में हत्या की वजह समझ में आना मुश्किल है। शुरू में कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक की जांच में ये भी साफ है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। साजिद कई सालों से दुकान चला रहा था। पीड़ित परिवार भी किसी राजनीतिक या धार्मिक नेता से नहीं जुड़ा है, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। साजिद का भी लोकल पुलिस स्टेशन में इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में हिंदू मुस्लिम वाली बात पूरी तरह से गलत साबित होती है। साजिद ने हत्या के बाद संगीता से कहा था कि काम पूरा हो गया। अब पुलिस इस सेंटेंस का मतलब समझने में लगी है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने साजिद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में साजिद की मौत हो गई। अब पुलिस उससे पूछताछ करके पता लगा नहीं सकती। पुलिस ने साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन उनसे कोई संतोषजनक बात पता नहीं चली है। कुछ लोग तंत्र मंत्र जैसी बात के भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसी हत्याओं में कुछ टोने टोटके किए जाते हैं, कुछ पूजा पाठ या कुछ विधियां होती हैं। साजिद ऐसा कुछ भी नहीं करता था, ये भी अभी तक सामने आ चुका है। सुनिए अभी तक की जांच में पुलिस का क्या कहना है। उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है, उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपए मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा हुआ था, पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। अब पूरे घटनाक्रम में साजिद का भाई जावेद ही ऐसा व्यक्ति है जो हत्या की वजह बता सकता है। घटनाक्रम के समय साजिद के साथ जावेद मौजूद था और फिलहाल वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि जावेद कब तक पकड़ा जाता है और इस मामले में क्या बताता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।